फ्रेंड्स आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश की दोस्तों एक गवर्नमेंट वैकेंसी है जो कि वन विभाग तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती होने वाली है और यहाँ पे आपको सिलेक्शन जो रहेगा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आपको यहाँ पर इंटरव्यू फाइट करना है। आपका इंटरव्यू जो रहेगा यहाँ पर 5 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा दिन में 10:30 बजे से। समय काफ़ी कम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, फील्ड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर दोस्तों यहाँ पे भर्ती हो रही है और सैलरी भी अच्छी है। मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के दिन आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से और मैं इसे टेलीग्राम में भी डाल दूंगा तो दोस्तों आप इसे वहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं और इसे फिल करना है। फिल कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा अभी वीडियो के लास्ट में और उसके पहले आपको इसका जो नोटिफिकेशन है संपूर्ण वो यहाँ पर पढ़ लेना है। तो पहले इसे डाउनलोड करेंगे और फिर आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से PDF आ चुका है और 5 अगस्त को दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे फोटो कॉपीज भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स की अपनी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। तो अच्छा फाइल फोल्डर बनाइएगा और अच्छा इंटरव्यू दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली वैकेंसी निकल के आई है जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट की। 16,000 आपको सैलरी मिलेंगी। जिनका यहाँ पर ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में या अनुभव है 2 साल का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपका यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए आपका हिंदी और इंग्लिश में MP बोर्ड से या आपका CPCT क्वालिफाई होना यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए CPCT जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है कंप्यूटर पास वालों के लिए। तो आप अगर दोस्तों कंप्यूटर कर लिया DC PGDC तो आप CPCT भी क्वालिफाई जरूर करें। इसके बिना दोस्तों आप पटवारी की परीक्षा में भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। या नहीं किए तो दोस्तों CPCT आप तैयारी शुरू कर दीजिए CPCT की। और यहाँ पे अन्य वैकेंसी आप देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट की है तो इसमें PG डिग्री मंगाए यहाँ पे 38,000 सैलरी है और कंप्यूटर को नॉलेज मंगाए यहाँ पे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में और भी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि एप्लीकेशंस और ये सब है। ये सब अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो की, तो यहाँ पर दोस्तों नेट क्वालिफाई वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 सैलरी है। यहाँ पर भी देखिए कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोस्तों आना चाहिए। फिर ये देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर ऑपरेटर की है यहाँ पर और एक वैकेंसी है और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेंगी 12,000 सैलरी मिलेंगी और इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, मतलब BA BSc BCOM जो भी आपने किया है और साथ में आपका PGDCA भी होना कंप्लीट होना यहाँ पे ज़रूरी है। जिन्होंने PGDCA किया है और 2 साल का न्यूनतम अनुभव है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग अगर आपको आती है हिंदी इंग्लिश तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें और CPCT क्वालिफाई होना आपका यहाँ पर भी ज़रूरी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में आपको सैलरी मिलेंगी 12,000। तो मेल फीमेल इसमें दोनों आवेदन कर सकते हैं और आप फ्रेशर है तो भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्या पता आप इंटरव्यू में दोस्तों निकाल लें अगर आपके यहाँ पे अच्छा काम आता है तो। इसके बाद यहाँ पे अन्य पद देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो का है तो इसमें 25,000 सैलरी है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका PG डिग्री होना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स में जैसे कि इकोनॉमिक, कॉमर्स, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी में और यहाँ पर 25,000 सैलरी दी जाएंगी। यहाँ पर भी कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर और कौन सी वैकेंसी है। फिर से जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है तो रिसर्च फेलो के लिए दोस्तों काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसी आ रही है और उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की यहाँ पे आप दे सकते हैं वैकेंसी है जिसमें आप दे सकते हैं 20,000 सैलरी आपको दिया जाएगा और BSc या MSc होना चाहिए आपका बायो साइंस में और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आप पे आपको आना चाहिए। तो आप दोस्तों इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में आपको सैलरी मिलेंगी 20,000 प्रति माह। तो इस प्रकार से दोस्तों सब वैकेंसीज हैं और भी देखिए वैकेंसी और भी है तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, देखिए पूरा अच्छा लगेगा आपको। तो अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो की है तो यहाँ पे 31,000 सैलरी मिलेंगी आपको और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी है हाई लेवल के हैं और यहाँ पर दोस्तों अनुभव मांग रहा है। इसके बाद है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक और फिर से तो इसमें भी आपको 20,000 सैलरी मिलेंगी। BSc MSc होना चाहिए बायो साइंस में और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। फिर अगली वैकेंसी देख लेते हैं तो काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे आ रही है और बहुत हाई लेवल की वैकेंसीज है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ है क्या। और वैकेंसी आ गई फ्रेंड्स यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो की, तो यहाँ पे रिसर्च फेलो की दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसीज है तो आप लोग जिसके लिए भी योग्य है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देखिए 25,000 मिल रहा है, जोधपुर में आपको काम करना है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं PG डिग्री यहाँ पर मांगा गया है, नेट क्वालिफाई मांगा गया है और कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसी है और भी यहाँ पे वैकेंसी फिर आ गई फील्ड असिस्टेंट की। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी है, आपको स्टडी ऑन लेपर्ड का यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दिया हुआ है और यहाँ पे 15,000 सैलरी मिलेगी आपको प्रति माह। आपका यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए बायो साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी में और 2 वर्ष का दोस्तों आपको अनुभव होना चाहिए किसी भी फील्ड में यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री के तहत और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको दोस्तों आना चाहिए। अब देखते हैं और कोई वैकेंसी है कि खत्म हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए और एक वैकेंसी आ गई है, ये है
सिलेक्शन ऑफ स्पेसिस रूट ट्रेन साइज स्पोर्टिंग मिक्सिस टू बी अडोप्टेड बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश फॉर ट्रेन सिलेक्टेड स्पीसीज। फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पे दो पोस्ट है और यहाँ पे आपका ग्रेजुएट मांगा गया है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में, और जो बीएससी करते हैं ना जूलॉजी बीएससी केमिस्ट्री उन लोगों के दोस्तों में वैकेंसी है, नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का, और यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी 15,000। अब इसके बाद देखते हैं और कौन सी वैकेंसी है, तो आप देखिए वैकेंसी समाप्त हो चुकी है और ये आवेदन फॉर्म में जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो आपको इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे आप फोटो लगाएंगे अपनी रिसेंट कलर साइज़ वाली, फिर पोस्ट का नाम लिखेंगे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर भी अप्लाई करना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ लिख देंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, अच्छा दिखता है देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अपनी मार्कशीट के हिसाब से, फिर फादर नेम, अगर विवाहित महिला है तो अपना पति का नाम आप यहाँ पर लिख सकती हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस आप कहाँ पे रहते हैं वो लिख देंगे, फिर आपकी उम्र कितनी हो रही है यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, तो पूरी उम्र आपको लिखना है यहाँ पे, आप कितने वर्ष के हो गए हैं, पिन कोड यहाँ डाल देंगे, फिर क्वालिफिकेशंस आपको लिख देना है, तो जैसे कंप्यूटर में यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांगा है और आपका यहाँ पे क्या मांगा है PGDCA, तो वो है आप यहाँ पे डाल देंगे। और डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोस्तों आपको आना जरूरी है, तो वो उसके बारे में लिखेंगे, CPCT क्वालिफाइड वो भी लिख देंगे आप, फिर यहाँ पे अनुभव की अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, और फिर आपने दोस्तों कहाँ पे काम किया, किस जगह पे कहीं काम किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे, तो फ्रेशर लोग जो है एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बाकी जो अनुभव ही है उनका तो दोस्तों यहाँ पे 100% हो जाएगा अगर अच्छे से इंटरव्यू निकाल लेते हैं। पुराने अनुभव ही है उनको दोस्तों पिछली सैलरी कितनी थी उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब ये इसको दोस्तों इसके साथ फॉर्म के साथ में आपको एक रिज्यूम भी बना लेना अपना, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज भी आपको साथ में रख लेना है, और पासपोर्ट साइज फोटो भी दोस्तों आप एक्स्ट्रा रख लेना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप रख लेना। अब यहाँ पे आप साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और प्लेस डालेंगे, डेट डाल देंगे यहाँ पे जहाँ से भी आप अप्लाई करने वाले हैं, मतलब जोधपुर आप लिख देना दोस्तों, और इसे 5 अगस्त को लेकर आपको चले जाना है। तो इंटरव्यू का जो जगह है आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जबलपुर में जो एड्रेस है एक बार अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ, ये है एड्रेस फ्रेंड्स, कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान पोलीपाथर जबलपुर। तो जबलपुर में दोस्तों ये एड्रेस पे आपको पहुँच जाना है और इंटरव्यू दे देना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। फॉर्म चाहिए तो आपको टेलीग्राम में भी मैं डाल रहा हूँ दोस्तों थोड़ी देर में, और वहाँ से आप इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी जानकारी अच्छी समझ में आ गई होंगी, और आप चाहते हैं कि इस जानकारी हर किसी जो आपके भी दोस्तों हैं रिश्तेदार हैं जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं अगर उनको शेयर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में, ताकि वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाए। अच्छी वैकेंसी है और अच्छी सैलरी मिलेंगी, और आपको दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में रह के नया काम करने का मौका भी मिलेगा, और वन बाकी वैकेंसी है तो दोस्तों आपके लिए जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।